हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एमसीएस 012 से क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई हम इस वीडियो को इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और हम तो आज का टॉपिक है जिसका नाम है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। आज हम फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं और किस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स हम बनाने वाले हैं। ओनली फॉर 3 स्टेप्स हम इस वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और आपको 100% वीडियो के अंत तक बहुत ही ज़्यादा समझ आ जाने वाला है। और वीडियो को बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरे देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करना। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट फॉर सिंगल प्रोसीजर एक्सप्लेन। तो 3 रूल है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है कि कन्वर्ट इन बाइनरी नंबर, सेकंड नॉर्मलाइज, एंड 32 बिट में इसको फिक्स करना। थोड़ा ये रैंडम लैंग्वेज हो गया है, बट डोंट माइंड। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चलो हम राइट करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। सो इसमें दिया है कि 500.3, यहाँ दिया है ना 500.3। इस क्वेश्चन में क्या करना है ना कि फर्स्टली जो पॉइंट के इस साइड वाला वर्जन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसका जैसे 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 250 में होगा कन्वर्ट, और इसके लिए कोई कैरी नहीं बचता तो 0। फिर इसमें भी इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका भी नहीं कुछ हुआ। इसका हुआ क्योंकि 63 हो जा रहा है तो ये 1 निकल गया। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे और ये ऊपर नीचे से ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ 1 1 1 1 0 1 0 0 करके ये नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि ये जो 3 बच रहा है हम लोग के पास, उसको हम करेंगे बाइनरी, उसको भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्क करते हैं, अब सारे जो भी पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं कुछ उसको इस तरीके से बाइनरी निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने बाइनरी निकाल रखा है, तो उस तरीके से बाइनरी निकलेगा 0.3 × 2 = 0.6, यानी 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जितना आंसर आया उसको यहाँ लिखो यहाँ पे, और इसको फिर इस पार्ट को 0.0 लगा के 2 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करो, जितना आया उतना लिखो। फिर इस पार्ट को फिर 0 लगा के मल्टीप्लाई करो, जितना आया उतना लिखो, और ये तब तक रिपीटेशन जब तक ना हो तब तक इसको करो। जैसे कि यहाँ पे भी सेम नंबर्स आया और यहाँ पे भी सेम नंबर, तो ये वर्जन यहीं रुक जाएगा और ये नंबर हम लिख लेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे, इस नंबर में क्या करना है कि इस साइड का जितना भी पार्ट होगा उसको लिखना है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कि 0 1 0 0 1 1, सेम एज इट इज़, उसको भी यहाँ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसका काम यही ख़त्म हो गया, फर्स्ट स्टेप आर कंप्लीटेड। इसको दोनों को प्लस करके लिख देना है यहाँ पे, जो भी पॉइंट के पहले नंबर था उसको पहले लिखेंगे और पॉइंट के बाद जो ये नंबर था उसको पॉइंट के बाद डाल के लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आर डन। सेकेंड है कि नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज के लिए कुछ रूल्स है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या रूल होता है कि हम लोग को जो भी एक के बाद पॉइंट लाना होता है, ठीक है, ये एक के बाद पॉइंट लाना होता है क्योंकि हमेशा 0 के बाद ही होता है। तो 0 के पास हो तो पॉइंट 1 के पास लाना है, अगर 0 के पास ना हो तो, अगर 1 के पास हो तो पहले से ही अच्छी बात है,
तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें है ना, हम लोगों ने वो जो बाइनरी निकाला था वो यहाँ पे लिखना है, और हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ है, ये ज़ीरो के पास पॉइंट है। तो हम लोग को क्या करना था, नॉर्मलाइज में एक के पास पॉइंट को लाना था। तो एक यहाँ सबसे लास्ट में हमको यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसको हम ऐसे गिनते हुए आएंगे, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 के बाद नंबर पे हमारा ये आता है, ठीक है। तो उसको हम लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, और ये जो 8 पार्ट है आया ना, 8 के बाद मतलब 8 बाद ये 1 हमें मिला, उसको मल्टीप्लाई में करके 2 को 2 के ऊपर 8 का पावर दे देंगे। अगर ये 8 बाद आया है तो 8 लिखेंगे, अगर 7 बाद आया होता तो यहाँ 7 लिखे होते, या 1 बाद 1 के बाद आया होता है 1, तो ये यहाँ 1 लिखाते। यानी समझ में आया, कुछ इस तरीके से है कि ये 0 हमें 1 जहाँ जिस पोजीशन पे मिलेगा वो उसका पावर यहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट हमारा यही कंप्लीट होता है, ठीक है। इस पार्ट को हम मंतिशा कहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में ना, कि हम लोगों ने बताया था कि 32 बिट को फिक्स करना। अब ये सिंगल बाइट है, अब सिंगल बाइट के लिए क्या करना है, साइन बाइट है तो साइन बाइट के लिए क्या करना है कि इसमें ना हम लोग को देखना है कि फर्स्ट नंबर जो हमारा था वो पॉजिटिव था कि निगेटिव था। हम लोग के पास क्वेश्चन क्या था, 500.3, यही था ना, ये पॉजिटिव नंबर था ना। तो जब हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ देखो यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा तो यहाँ 0 लिखा आएगा, अगर निगेटिव होगा तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तो पॉजिटिव था तो ये हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका क्या वर्क है वो यहाँ हम देखेंगे। यहाँ है कि हम लोग को ये वाला याद रखना है कि थर्ड स्टेप में ये हमें याद रखना है 1, 2, 7। अगर ये प्लस में है, यानी अगर ये जो हमारा पॉइंट था इधर साइड खिसकेगा तो ये प्लस में होगा ये, और ये जब इधर खिसकेगा पॉइंट तो हमारा निगेटिव नंबर यहाँ होगा, यानी यहाँ 8 माइनस में होता। माइनस वाला भी हम क्वेश्चन एक देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये प्लस में तो ये 1, 2, 7 के साथ 8 प्लस हो जाएगा, और जो आएगा उसका बाइनरी निकाल के वो यहाँ 8 बिट में फिक्स कर देना है, ठीक है। 8 बिट में अगर 8 नहीं हो पाता ये, तो हमें इसके यहाँ पे 0 लगा देना होगा, जितने बाइट को कंप्लीट करना हो तो। बट ये एवरेज था, यानी 8 था हमें, तो हम 8 लिख चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि इसमें ये मंतिशा पार्ट को फिक्स कर देना है, मंतिशा पार्ट को लिख देना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी। हम चलते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, माइनस वाले को। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम लोगों ने मैंने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करा है। आप भी आप ये बाकी सारे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये चाहे ये, ठीक है। हम ये कर रहे हैं, हमारा इसमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इस 0 का कोई बाइनरी नहीं निकलेगा, तो इसका हम पॉइंट वाला निकालेंगे। पॉइंट वाले के लिए कुछ इस तरीके से मैंने बताया रखा था, आप लोग निकाल लेना। और इसका कुछ बाइनरी इस तरीके से आया है, ये वाला पार्ट आया है, और इसको 0 लिख के पॉइंट करके यहाँ पे वो बाइनरी नंबर लिखने लगा। सेकेंड स्टेप की नॉर्मलाइज करना था, क्योंकि ये नंबर इस साइड खिसकेगा, क्योंकि यहाँ हमको 1 मिल रहा है, बाकी इस साइड 1 नहीं है, तो ये नेगेटिव में 1 होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करते टाइम हम पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद ये नंबर लिखना है, यानी 1 यहाँ से नंबर 1 है तो यहाँ से के बाद से जितना भी होगा वहाँ लिखेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से लिखें और इंटू करके 2 का -3 कर दें, क्योंकि 3 बाद हमको मिला 1, 2, 3 बाद हमको 1 मिला तो -3। एंड साइन बिट में कैसे किए, क्योंकि ये माइनस में नहीं था, ये प्लस में था यहाँ वाला, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और साइन बिट को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे, क्योंकि 1, 2, 7 -3 होगा, यहाँ 3 था तो 3 माइनस में था तो -3 होगा। ये 1, 2, 7 हमेशा सब बाइनरी वाले में होगा, रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। ये बहुत याद रखना है।
और इसमें माइनस करके 1 2 4 आया, उसका बाइंडर निकालो और यहाँ पे 8 बिट में फिक्स कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में है कि मंतिशा पार्ट को ये 23 बिट में फिक्स कर दो, ये वाला उठा के यहाँ डाल दो विदाउट एनी पॉइंट के। ये पॉइंट मेरे से गलती से हो गया, पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, बिना पॉइंट के इसको फिक्स कर दो, कहानी ख़त्म। 8 मार्क्स आपके हो जाने हैं। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तीन स्टेप है, उसको पूरा करो और नंबर ले जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और लाइक कर देना वीडियो को।